गैस दो नाजरीन आपका मेज़बान बाबर सरदार आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी नाजरीन 16 दिसंबर को खाने वाल में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है तमाम पार्टियों के तमाम कैंडिडेट की तरफ से शहर को पैनाफ्लैक्सों से सजाया गया है और इलेक्शन कम्पेन भी बहुत तेज़ की गई हैं जिस इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ की आवाम ने इलेक्शन का बाईकाट किया है उसकी वजह यह है कि इन्होंने बैनर लगाए हैं ख़ुद अपनी मदद आपके तहत कि सड़कें दो सीवरज का निजाम बेहतर करो और हमसे वोट लो कुछ अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है और कब से ये रोड ऐसी टूट फूट का शिकार है सीवरज का ऐसा निज़ाम गंदा है आखिर ये बनेगा तो कब बनेगा अल्लामिक सर वाईक साम सर बताइएगा इलेक्शन का बाईकाट किया है और इस इस पैनाफ्लैक्स लगाने के बाद कोई आलादे दरान यहाँ पर आया कि नहीं आ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब ये आ, जो है बैनर जो है वो हमारी मतलब अक्सी कर रहा है कि हम लोग क्या चाहते हैं तो ये जो आपने रोड की बात की है कि ये तकरीबन चार साल से ये रोड जो है इस तरह टूट फूट का शिकार है और ये सेवरेज का जो पानी है अभी तो ये काफ़ी खुश्क हो गया लेकिन ये यहाँ पे ना आपको गुजरने का रास्ता मिलता है ना ही आप यहाँ से नमाजी गुजर सकते हैं ना ही बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए यहाँ से जा पाते हैं तो सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ना तंग होते हैं बट आज तक किसी बंदे ने आके कोई भले वो बरस इकतदार गवर्नमेंट है पार्टी है या कोई अपोजिशन वाले हैं किसी ने आके कोई यहाँ पे कभी नहीं पूछा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं तो इसी के बिहाफ के ऊपर इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये बाइकाट किया है कि अब जो बंदा हमसे वोट लेने आएगा पहले वो हमारे इलाके के जो दरीना मसाइल हैं उनको हल करे और उसके बाद फिर हमसे वोट की डिमांड करे अदरवाइज़ हम किसी को वोट देने वाले नहीं है कोई इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाले नहीं है सर दिन बहुत कम रह गए हैं तो अभी तक किसी ने आपसे राबता किया हाँ बिल्कुल एक दो पार्टीज़ के मतलब छोटे अहदेदार कुछ आए हैं कुछ लोग जो सिर्फ़ उनका पर्पज़ यही है कि जी ठीक है आप हमें वोट दे दें तो इलेक्शन के बाद हम लोग आपको कोई ना कोई काम करके देंगे तो आप ये सोचें कि मतलब इलेक्शन के बाद पहले वाला इलेक्शन में भी सबको हमने वोट दिया है और गवर्नमेंट भी मतलब ये यह है यहाँ पे एम एन जो उनका बिल्कुल करीबी इलाका है और कोई बंदे ने आके नहीं पूछा कि क्या हो रहा है तो अभी आप क्या समझते हैं कि अभी हम अगर वोट दे देते हैं तो इसके बाद भी क्या वो लोग काम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल या हमारे लोगों का नहीं ख़्याल कि वो लोग काम करेंगे इस हल्के की आवाम दो हज़ार अठारह में किसको वोट डाला था यहाँ यहाँ के मुख्त लोग थे लेकिन ज़्यादा लोगों ने पीटीआई को ही वोट दिया था और उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने ही है कि जब लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स बुनियादी सहूलतें ही नहीं मिलेंगी तो भले वो पीटीआई हो नो लीग हो या पी पी हो या कोई और जमात हो तो आम लोगों को तो एक अपने बुनियादी मसाइल या जो उनके हैं उनको हल करने से गर्ज़ होती है कि उनको कोई बेसिक चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दे तो वो ऊपर जो मर्ज़ी करें मतलब जैसे मर्ज़ी लेके चले चीज़ों को इसमें कोई मतलब हमें वो नहीं खाने वाल का ये इलाका है बस्ती अब्बास नगर जिस तरह हम पहले मौजूद थे पुराना खाने वाल लाहौर मोड उसी तरह यहाँ अहले इलाका ने भी इलेक्शन का वोट का बायकाट किया है इनका भी एक ही मुतालबा है गैस दो तो वोट लो हमारे पास अहले इलाका मौजूद है इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वजह क्या है इन्होंने ये बायकाट क्यों किया है वालेकुम सर बताइएगा कि ये अपने वोट का बायकाट किस लिए सर इसलिए किया है कि हम इतने साल हो गए ना तो हमें गैस दिया जाता है ना हमारी सैवरीज अच्छी है ना हमें सोलंग दिया जाता है और हमें इतना परेशान किया हुआ है इन सियासतदानों ने आते हैं वादे करके चले जाते हैं और हमारा काम नहीं करवाते हम बहुत परेशान हैं यहाँ और हम बहुत तंग इन सियासतदानों से अपनी जेबें गर्म करते हैं और हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हर दफा आते हैं और वोट लेके चले जाते हैं अच्छा भाई जन ये बताएं इस इलाके का वोट कितना है तकरीबन पाँच है भाई दो में किसको वोट डाला था नून लीग को अगर इस दफ़ा आपके मुालबात जो पूरे करेगा उसी को वोट डालेंगे बिल्कुल सर जो हमारे मुतालबात पूरे करेगा हम उसको वोट डालेंगे वरना हम बायॉट करते हैं वोट सर आप बताइएगा आप भी इसी इलाके के हैं इलेक्शन का बाईकॉट किया हुआ है आपको क्या नज़र आता है कोई हुकूमत का नुमाइंदा आएगा, आएगा आपके पास या नहीं अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं आया लेकिन हमारा जो है यही मुतालबा है कि इस इलाके को गैस दी जाए बग़ैर गैस के बड़ी परेशानी है और ये बहुत पहले से इलाका आबाद है दूसरा मसला है सीवरेज का आपके सामने है सेवरेज का निज़ाम नहीं है गलियाँ टूट फूट टूटी हुई हैं गंदगी के अंबार हैं यहाँ के जो हाजिर कौंसलर हैं वो भी इस चीज़ पर तोज्जो नहीं देते तो इसलिए हमने इलेक्शन का बाईकाट किया हुआ है कोई अगर हमारे ये मुतालबात पूरे करेगा तो हम वोट देंगे अदरवाइज नहीं देंगे एक नौजवान और हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में भजन आप बताइएगा इलेक्शन आपके पूरे इस इलाके ने इलेक्शन का बाईकाट किया हुआ है तो आप आपकी जो डिमांड क्या है सर हमारी डिमांड सब इलाके की यही है कि हमें गैस दिया जाए ना यहाँ पे गैस आता है इस इलाके के चारों साइडों पे गैस है सिर्फ़ और सिर्फ़ अब्बास नगर के अंदर बिल्कुल गैस नहीं है ठीक है ना जी लिहाजा इसको जो ये मोहताज हुआ पड़ा जिस चीज़ से उन सारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसको भी नज़र मारेंगे ये भी पाकिस्तान के नक्शे में है ठीक है ना जिसको मिटाया हुआ जो हुक्मरान आता है वो अपना आगे वोट लेके चला जाता है बाद में वो हम उसके घर के भी जाते हैं साहब अभी सोए पड़े हैं साहब अभी नहीं है यहाँ है वहाँ है लिहाजा हमें गेड़े पे गेड़ा दिया जाता है इनको चाहिए कि हमारी बात को ऊपर से ऊपर तक पहुँचाया जाए यही हमारा पूरे शहर में जलसे हो रहे हैं रैलियाँ निकाली जा रही हैं कॉर्नर मीटिंग रखी जा रही हैं आपके इस इलाके में भी कोई कैंडिडेट किसी कैंडिडेट का जलसा हुआ है जलसा सर जो कोई आता है हम उसे यही डिमांड करते हैं हम उनकी बात तभी सुनेंगे ना सर जो वो हमारे मुतालबात पूरे करेगा वरना हमारे इलाके ने जिस तरह इन्होंने अब इतफाक़ किया है ना इन हुक्म से ये इतफाक ही रहेगा इतफाक में ही बरकत है अगर ये इतफाक़ करके बाईकाट भी करते हैं ना जी ठीक है ना तो बहुत अच्छा होगा किसी को वोट ना दें ऐसे वोट को क्या अपनी वोट होता है ज़मीर का जिसको गवार ही ना करे ज़मीर जिसका कि मैं किसको अपने ऊपर मुसलत कर रहा हूँ जो हमारी बात ही नहीं सुन रहा ना हमारे इलाके को संवार रहा है हम उसको वोट क्यों दें अपना इसे अच्छा ज़ाया कर दें यही करना है जी ये थी वो अवामी राय जिन्होंने अपने मुतालबात के हक के लिए इलेक्शन का बाईकाट किया इनका एक ही मुतालबा है सेवरेज और गैस दो वोट लो गैस दो वोट 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 लो 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 गैस गैस दो दो